अरे आराम से यार, ऐसे कौन मारता है, पूरा अंगूर गिरा दिया हमारा। मार साले को। हाँ जी, कल है ठीक है दोस्तों। प्रदीप पांडे चिंटू के एक फिल्म का ट्रेलर आया है जिसका नाम है इश्क। इश्क हो या जंग, भरपूर होना चाहिए। तो सबसे पहले नजर डालेंगे कि इसमें अच्छा क्या है। तो ट्रेलर को मद्देनजर रखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये फिल्म एक फुल्ली एक्शन मूवी होने वाली है। बाल लबादा कर सके चाहे जग मेरी हो। और एक्शन भी ऐसा वैसा एक्शन नहीं, बल्कि आपको एकदम ग्रैंड लेवल का साउथ इंडिया टाइप एक्शन देखने को मिलेगा। और वैसे भी प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्मों में एक्शन जो है वो इसी लेवल का होता है, यानी कि एकदम ग्रैंड, एकदम हाई लेवल का। एक फेट मारे तो सिनेमा हॉल का पर्दा फाड़ के गुंडा बाहर आके गिरे। बट आज के जमाने में सिर्फ एक्शन के भरोसे फिल्म चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब देखो, ट्रेलर देख करके तो फिल्म की कहानी समझ में नहीं आती है, बट थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आ जाता है। तो इस फिल्म के कॉन्सेप्ट पर अगर आप गौर करेंगे तो प्रदीप पांडे चिंटू की पिछले कई सारी फिल्मों का कॉन्सेप्ट लगभग इसी से मिलता जुलता है, यानी कि फुल्ली लव स्टोरी। तो जाओ इश्क अपना दिल में दफना के राख कर दिले बाड़ा, अधूरा इश्क हम पूरा करें। और ये लव स्टोरी भी कुछ नई नहीं होती है, हर फिल्म में सेम कहानी होती है, यानी कि एक बड़े बाप की लड़की है, एक गरीब बाप का बेटा है, दोनों में प्यार होता है, फिर लड़की का बाप विलेन बन जाता है और लड़के के साथ उसका ढिसुम भिसुम शुरू हो जाता है, फिल्म खत्म हो जाती है। ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। देखो प्रदीप पांडे बहुत बेहतरीन एक्टर है, भोजपुरी में जितने भी एक्टर है मैंने सभी को बहुत बार और बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करते हुए देखा है, बट प्रदीप पांडे चिंटू को ओवर एक्टिंग करते हुए मैंने बहुत कम देखा है। वह एक्टिंग एकदम परफेक्ट करते हैं, बट उनके फिल्मों का सिलेक्शन जो है ना भाई साहब, वो एक दिन इनको ले डूबेगा। इनकी पिछली कई सारी फिल्में आप उठा करके देख लीजिए, सबका कहानी सबका कॉन्सेप्ट सेम है। वैसे इस फिल्म की सबसे खास बात क्या है आपको पता है? अबे मुझे क्या पता? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मैं किस लिए बैठा हूँ। तो इस फिल्म का जो सबसे खास बात है कि इस फिल्म को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है राजकुमार आर पांडे। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उनका नाम है राजकुमार आर पांडे। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है राजकुमार आर पांडे। इस फिल्म के जिन्होंने गाने लिखे हैं उनका नाम है राजकुमार आर पांडे। इस फिल्म में जिन्होंने म्यूजिक दिया है उनका नाम है राजकुमार आर पांडे। और इस फिल्म के जो को प्रोड्यूसर हैं उनका नाम है कृष्णा आर पांडे, अंतरा पांडे, आरना आर पांडे। और इस फिल्म के जो हीरो हैं उनका नाम है प्रदीप पांडे। कितना पारिवारिक फिल्म है ना। खैर वैसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, बायकॉट बॉलीवुड। मस्त जोक मारा राजकुमार आर पांडे। उन्होंने एक नहीं पांच पांच छः छः काम अकेले किए हैं, जैसे कि गाना लिखना, म्यूजिक देना, फिल्म की कहानी लिखना, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। इतने सारे काम जब वो अकेले कर रहे हैं तो बंदा क्या क्या करे। इसीलिए नई कहानी नहीं लिख पाए होंगे तो पुरानी कहानी पर ही ये फिल्म भी बना दी गई है। फिल्म जब लव स्टोरी है तो जाहिर सी बात है हीरोइन को भी एक बड़ा स्पेस मिलेगा ही मिलेगा, खास करके भोजपुरी की जो हीरोइन है उनसे तो भाई चुम्मा चाटी के अलावा कुछ करवाया नहीं जाता फिल्मों में। तो उस काम के लिए इस फिल्म में रखा गया है काजल राघवानी को, जैसे कि प्रदीप पांडे चिंटू के पिछले कई सारे फिल्मों से ये लगातार इन्हीं के साथ काम करते आ रही हैं। आज लव होता कल सब होता और बरसों छुट्टा छुट हो जाता। प्रदीप पांडे चिंटू के साथ इनकी जोड़ी कितनी जमती है वो जनता कई बार जवाब दे भी चुकी है, बट मुझे लगता है कि इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। चल भाई बैठ गाड़ी में। गाड़ी का डोली में भी बैठ जाए बस हमारा प्यार के आवेदन। गाड़ी में का डोली में भी बैठ जाए बस हमारा प्यार के आवेदन। ये जो बिहार में इस टाइप की जो घटनाएं होती है ना, आरती छोटू और ढुमकी ढुमका, ये सब यही सब देख करके होती है। देखिए लोग, हम दोनों एक साथ भागे हैं, ठीक है। मतलब कितना पुराना डायलॉग, सोचो 1970 के जमाने का डायलॉग है ये। ये लोग 2023 में उस डायलॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं, गजब। चल प्यार करे आधा खाली लड़कियन की इज्जत ना होला, लड़कन के भी इज्जत होला। ओ लड़कन के भी इज्जत होला, तनिक बच गए तो लुटाई गए हो तुहार तक।
हर फिल्म में विलेन के रोल में विक्रांत सिंह राजपूत और राज प्रेमी भी हैं। एक्टिंग की बात करें तो ट्रेलर में क्या ही एक्टिंग की बात करें, बट जितना दिखाया गया है सभी ने ठीक ठाक ही एक्टिंग की है। लागत बात जानवी के प्यार इश्क बन के तोहरा रूह में समा गई। ट्रेलर में 3 गाने दिखाए गए हैं जो कि बढ़िया बढ़िया गाने हैं। मैं बन जाऊं कृष्णा तेरा, तू बन जाए राधा। बाकी गाए किसने हैं घंटा पता नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी किसी सिंगर को क्रेडिट नहीं दिया गया है। बाकी राजकुमार आर पांडे, सुमित सिंह चंद्रवंशी, इन लोगों ने इस फिल्म के गाने लिखे हैं। म्यूजिक तो मैंने बताया कि राजकुमार आर पांडे का ही है और म्यूजिक बढ़िया लग रहा है। ट्रेलर में सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि ट्रेलर में बढ़िया चीजें ही दिखाई जाती हैं काट छाट के, कोई कमी नहीं है। बस कमी है तो इस फिल्म के कॉन्सेप्ट में, जो शायद हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के जमाने का कहानी लेकर के आज तक ये लोग घिस रहे हैं, उसी का नतीजा ये फिल्म भी है। बाकी इनके हर फिल्म का थीम सेम होता है, इनके पहनावे सेम होते हैं, इनके मेकअप सेम होते हैं, इनके हेयर स्टाइल सेम होते हैं, कुछ भी नहीं बदले जाते हैं। हमको लगता है कि एक सेट पर जाते हैं, वहाँ मेकअप होता है और कई सारी फिल्में एक ही बार में शूट कर लेते हैं उसी कपड़े में, तो फिर क्या ही फिल्म बनेगी। ट्रेलर में कहीं पर कोई कॉमेडी ओमेडी नहीं दिखाई गई है, फिल्म का पता नहीं होगा या नहीं। फिल्म में हीरो हीरोइन का बातचीत कम, मुशायरा ज्यादा लगता है। ये इश्क रात भर उसी के लिए नहीं सोने देता जो दिल में होता है, क्योंकि लाइनें बिल्कुल राइमिंग में बोली जा रही हैं, काफिये से काफिया मिलाया जा रहा है। खत्म हो गई अब सारी कहानी, बस कुछ अल्फाज बाकी है। ट्रेलर पूरे 3 मिनट 34 सेकंड का है, फिल्म का नाम है इश्क और इस फिल्म के पूरे कर्ता धर्ता राजकुमार आर पांडे हैं। बाकी ज़्यादा कुछ बात करने के लिए इसमें है नहीं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, कोई बात करनी है आ जाओ वहाँ पर भी फॉलो करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब करके जाना बता रहे हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।